क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो इक्वल रूट्स रखती हो, यानी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहां से पहले a निकाल लेते हैं, a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू आएगी k, एंड c की वैल्यू होगी 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, b की जगह पुट करना है k, तो ये बना k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बनी है 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 3 इक्वल टू k स्क्वायर। इवैल्यूएट करते हैं 8 3 24। आपके पास क्या कंडीशन दे रखी है कि इक्वेशन को टू इक्वल रूट्स होने चाहिए, टू इक्वल रूट्स। और दो इक्वल रूट्स आपके पास कब होते हैं, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू जीरो हो। तो यहां पे इसको पुट कर लेते हैं इक्वल टू जीरो के, तो ए स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू बनी है 24 का स्क्वायर विद प्लस माइनस साइन, तो k इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 24 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 4, 4 का हमारे पास स्क्वायर रूट होगा 2, तो इसे लिखा जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो k की इन दो वैल्यूज के लिए जो ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है टू इक्वल रूट्स रखेगी। सेकंड पार्ट में k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू इक्वल रूट्स रखे, तो इसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर k x t, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k x रेज टू पावर आ जाएगा 2, k x t माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2 k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इवैल्यूएट करते हैं यहां से कि a की वैल्यू क्या बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये है हमारे पास k, b की वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2k और c की वैल्यू बनेगी 6। डिस्क्रिमिनेंट इवैल्यूएट करेंगे d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 2k, तो माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। इवैल्यूएट करते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, k स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 24k, 4 इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होगा हमारे पास 0, तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वल टू 0 के। तो हमारे पास यहां से देखिए फैक्टर्स बनाने हैं इसके, k कॉमन आ रहा है 4 भी कॉमन आ रहा है, 4k को कॉमन लेते हैं तो यहां पे वैल्यू बचेगी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर 4k इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू आ गई 0, अगर हमारे पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू आएगी 6। तो k की वैल्यू 0 और 6 के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास टू इक्वल रूट्स रखेगी।